भोपाल से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण होते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मामले की सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराने में जुट गया। वहीं हिंदू संगठनों ने मांग की है कि पादरी समेत ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इन दिनों मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच ताजा मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। भोपाल के शिवनगर में कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों को लगी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर गरीब बस्तियों के बंद कमरों में मशीनरी से जुड़े लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। मौके पर पहुंचे बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईसाई मशीनरी से जुड़े लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने पादरी समेत ईसाई मशीनरी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराने में जुट गया। यहां पर संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण, ईसाई मिशनरी के लोग धर्मांतरण करा रहे थे, उसको साक्षात पुलिस के सहयोग से पकड़ा। पुलिस अंदर गई है, पादरी यहां पर धर्मांतरण कर रहे थे और प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसमें बजरंग दल के हमारे दो कार्यकर्ता भी उस सभा में मौजूद थे। उनको बोला जा रहा था गणेश जी डूब जाते, देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र है, तुम्हारे देवता क्या कर पाते, इस प्रकार का हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके के खिलाफ हम लोगों ने सर्चिंग करके करीब एक महीने से हमारे कार्यकर्ता सर्चिंग कर रहे थे और वाच किए हुए थे। आज इतवार को यह धर्मांतरण की कार्रवाई की जाती थी। पादरी यहां पर मौजूद है, ईसाई धर्म के लोग मौजूद है। यहां पर बोला जाता था हमारे कार्यकर्ताओं को कि सफेद कपड़े पहन के आइए। हमने यहां पर कार्रवाई की है और हम यह मांग करते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और इनके खिलाफ धर्मांतरण का कानून जो है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल की हवा पहुंचानी चाहिए। नगर थाना क्षेत्र में शिवनगर कॉलोनी में एक संडे के दिन, आज रविवार है, एक शिकायत आई कि वहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। तो मौके पर तत्काल पुलिस पहुँची और वहाँ पर देखा लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पर पूछताछ की गई तो जो जिनके द्वारा शिकायत की गई उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है। इनिशियली प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रेयर की जा रही थी, क्योंकि यह संडे का दिन है। उन लोगों से पूछताछ जारी है, यदि इस प्रकार का लालच प्रलोभन देके किस प्रकार का यदि धर्मांतरण किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर कायम की जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।